potential energy diagram and reaction mechanism. Last time हमने potential energy diagrams जो हैं इनको study किया था. Potential energy diagrams का structure कुछ इस किस्म का था कि y-axis was representing the potential energy and x-axis as the extent of reaction, यानी किस हद तक reaction हो चुका है. जब reaction start होता है तो चूंकि वहाँ पे सिर्फ reactants होते हैं, so reactants have a certain amount of potential energy and then the potential energy rises. This rise in potential energy is because the kinetic energy is changing into potential energy when new bonds are being formed and the previous bonds are being broken. So kinetic energy jitni bhi hoti hai at every temperature, it changes into potential energy. As a result, the overall potential energy rises and a hill is formed like this. Is hill ki jo peak hoti hai, this represents the activated complex. Or activated complex jo hota hai, it is very unstable and a large number of bonds are there. And finally, the activated complex changes into a product with a different energy. So there are three different types of energy. One is this energy, second is this energy, and the third one is this energy. Okay, let's write them in red. Ye jo sabse peak pe energy hai, this is the maximum energy possible. Ye jo start mein hai, ye reactants ki energy hai. ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड जो यहां पे आपको पीक नजर आ रही है, जो इस रिएक्टेंट्स पहले पीक तक पहुंचते हैं तब रिएक्शन शुरू होता है. जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, आपका रिएक्शन या अफेक्टिव कोलिजंस नहीं होंगे. ठीक है, सो ये जो पीक नजर आ रही है, ये जो पीक तक का फासला है फ्रॉम द रिएक्शन रिएक्टेंट्स की एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. एंड दिस इज द एनर्जी हमने डिफाइन की थी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अफेक्टिव कोलिजंस. देन वंस एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट इज देयर, इंटरमीडिएट के बाद इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स व्हिच आर ओवर हियर. और प्रोडक्ट्स हैव, प्रोडक्ट्स मे हैव हायर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स. अब ये जो मैंने फिलहाल डायग्राम बनाई है, मैंने प्रोडक्ट्स की एनर्जी को कम कर दिया है रिएक्टेंट्स की एनर्जी की निस्बत. ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ products which is lesser than reactants. So overall if you see, energy jo hai wo release ho rahi hai. Reactants ke paas for example 150 energy thi, products ke baad 120 energy hai. So 30 energy baki kahan gayi? 30 energy jo hai wo release ho jayegi. Isko basically enthalpy change kehte hain, delta H. So try to relate potential energy diagram with enthalpy change also. एंथैल्पी चेंज भी आपको पता चल जाता है अगर आपके पास ये पता हो आपको कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना है. ठीक है, एंड दिस इफ एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव एज इज द केस ओवर हियर, यानी प्रोडक्ट्स हैव लोअर एनर्जी एंड रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी, सो 120 माइनस 150 विल गिव यू माइनस 30. दैट्स वाई वी से कि जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इट्स एन एक्सोथर्मिक केस. तो ये जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है, दिस इज फॉर एन एक्सोथर्मिक केस. एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, मैं इसी डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा या ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं. हियर इट इज. सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो दोनों केसेस में बनता है ना. तो अब आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जब प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये लाइन बहुत ही नीचे आ जाए, ये हल्की सी यहां पे आके भी सेटल डाउन हो सकती है. अगर यहीं पे सेटल डाउन हो जाएगी, इसका मतलब है अब जो फाइनल एनर्जी है प्रोडक्ट्स की वो इतनी है. ठीक है, सो इफ द इनिशियल रिएक्टेंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, दिस वाज फॉर एग्जांपल 150, जो प्रीवियस केस था उसमें मैंने प्रोडक्ट्स की एनर्जी 120 कर दी थी, बट इस केस में 120 नहीं होगी बल्कि 150 से ज्यादा होगी. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक 210. अब जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है दैट इज 210, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स जब आप करोगे यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट. And in this case, it is plus 60 kilojoules per mole. क्योंकि हम standard units use कर रहे होते हैं. So delta H is positive. This is the case for endothermic reaction. Endothermic reactions के अंदर आपको energy overall required होती है. ठीक है, और आपको continuously energy देनी पड़ती है तब ये reaction होता रहेगा, otherwise ये रुक जाएगा. और exothermic के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि initially आपको सिर्फ activation energy हल्की सी देनी पड़ती है. वंस यू गिव द एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद रिएक्शन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है. ठीक है, लेट मी टेल यू दीज टू केसेस डिफरेंटली. यहां पे हम एक्सोथर्मिक का केस लेते हैं, यहां पे हम एंडोथर्मिक का केस लेते हैं. इन एक्सोथर्मिक ये होता है कि
इनिशियली तो देखो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ती है। एक्सोथर्मिक में ये ग्राफ नीचे आ जाता है, ठीक है, और एंडोथर्मिक के अंदर ये जो ग्राफ है, सॉरी इसको हम थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। एक्सोथर्मिक में ये कुछ यूं होता है और एंडोथर्मिक के अंदर ये कुछ यूं होता है, ठीक है। यानी ओवरऑल रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट्स की ये है, और प्रोडक्ट्स की चूंकि कम एनर्जी है तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एंड दिस इज अ केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्टेंट्स की ये है, प्रोडक्ट्स की ये है, प्रोडक्ट्स की हाई एनर्जी है तो आपको कंटिन्यूसली एनर्जी सोर्स देना पड़ेगा जो कि प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में तो आपको सिर्फ पहली दफा हल्का सा स्पार्क देना होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कभी किसी भी चीज को आग लगानी हो तो सिर्फ हल्की सी आप स्टार्ट में अगर लगा दो, इग्नाइट कर दो, ट्रिगर कर दो, उसके बाद क्या होगा, उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, और जब पहली दफा एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और चूंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत कम है तो वो एक्सोथर्मिक केस है एनर्जी रिलीज करेंगे, और नेक्स्ट टाइम वही वाली एनर्जी जो है वो अगले रिएक्टेंट्स को एक्साइट करने में यूज हो जाएगी। सो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल पड़ेगा, ठीक है, और आपको बार बार से एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, अगर आप इवन अ लॉट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इफ यू सप्लाई इवन इन द बिगेनिंग, तो उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल इतनी सी रही है, और नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए अगेन इतनी ज्यादा, तो फिर आपको अगेन बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर से लगातार देनी पड़ेगी। दैट्स वाई एंडोथर्मिक में एनर्जी ओवरऑल आपको बाहर से देनी पड़ती है और एक्सो में ओवरऑल रिलीज हो रही होती है। नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल पॉइंट जो आज हमने डिस्कशन कर रखा हुआ है, दैट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। सो आई एम गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, हम इस बारे में कैसे बता सकते हैं इफ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज गिवन। सो लेट्स टेक द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस NO2F, इट्स अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन दिस वे। फॉर दिस रिएक्शन आपको जो रेट लॉ है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एंड द रेट लॉ सजेस्ट के रेट इज इक्वल टू के टाइम्स NO2 इनटू F2, यानी द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2। बट इफ यू सी क्लियरली यहां पे दो लिखा हुआ है, सो होना दो चाहिए था, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें एक NO2 मॉलिक्यूल होगा और एक F2 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन की आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी गिवन है, एंड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपकी इस किस्म की आपको गिवन है, यू ऊपर जा रही है, हल्की सी नीचे आती है, हल्की सी ऊपर जाके यू नीचे आ जाती है, ठीक है। इस डायग्राम से आपको बहुत सारी बातें पता चल रही हैं, ठीक है, पहले हम रिजल्ट्स लिखने की कोशिश करते हैं आपको इस डायग्राम से क्या क्या पता चल रहा है। एक तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं और फाइनल पॉइंट आपका प्रोडक्ट्स होता है। प्रोडक्ट्स आप देखो हल्के से नीचे हैं रिएक्टेंट से, सो दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इज द एंथैल्पी चेंज, एंड दिस विल बी नेगेटिव इन द प्रेजेंट केस बिकॉज प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी। इन अदर वर्ड्स दिस इज अ केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट जो आप डायरेक्टली बता सकते हो इस तस्वीर को देख के, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट विल बी रिलीज्ड ओवरऑल। सेकेंडली जो आप रिजल्ट इस डायग्राम को देख के बता सकते हो वो ये कि चूंकि इसमें दो पीक्स बन रही हैं, एक पीक ये बन रही है और एक पीक ये बन रही है, और हमने ये डिस्कस किया था कि पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। सो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पे बनेगा और एक यहां पे बनेगा, सो ओवरऑल चूंकि दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इसका मतलब है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, इट विल एक्चुअली टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। सो दिस इज योर सेकेंड कंक्लूजन, टू स्टेप रिएक्शन। ये तो ओवरऑल रिएक्शन जो आपको गिवन होता है, ये तो बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, एंड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन नॉट टेल यू कि एक्चुअली रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। सो गिवन दीज थिंग्स यू कैन टेल कि रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रहा है। अब देखो एक वो स्टेप है जो यहां से यहां तक ऊंचा है, मतलब ये एनर्जी जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और दूसरा आपकी जो पीक है वो यहां पर बन रही है, दिस विल अगेन बी एक्टिवेशन एनर्जी।
Now tell me, कौन सी activation energy ज़्यादा है, one पे के two पे? One पे इसका मतलब है one पे बहुत ज़्यादा energy required है. So one is the slow step. जब energy बहुत ज़्यादा required होती है, तो वो step slow होता है. So step one will be slow. और जो slow step होता है reaction का, उसको क्या कहते हैं? Rate determining step. If you remember, जो reaction का slow step होता है, उसको rate determining step कहते हैं. So आपने सिर्फ potential energy diagram देख के ये बता दिया कि एक तो ये exothermic reaction है, एक तो ये कि ये दो steps के अंदर होगा, तीसरा ये कि जो इसका पहला step होगा, वो rate determining step होगा. Very good. यानी आपने खासी information, इस तीन informations के थ्रू आपने बता दिया. अब एक बड़ी interesting बात आप बता सकते हो, वो ये जो rate determining step होता है, उसी के थ्रू तो ये rate law लिखा जाता है. Rate law जो होता है, it gives information about the rate determining step. And the rate law suggests कि एक NO2 और एक F2 का molecule react कर रहे हैं. इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पहला step होगा इस reaction का, उसमें एक NO2 और एक F2 आपस में reaction करेंगे. How simple. आपने इस तस्वीर को देख के और इस रेट लॉ को देख के ये बता दिया कि NO2 and F2 should react together in the first step of reaction. You might get confused at this step कि ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या? No need to worry. I would say 2NO2F इसने कहा हुआ है ना कि overall बन रहा है, इसका मतलब है पहले step में simply NO2F बन रहा होगा. यानी दो बनने हैं ना ओवरऑल, तो एक यहीं पे बन जाएगा NO2F. अब NO2 के साथ F2 मिलके अगर NO2F बन रहा है, तो साथ एक फ्लोरीन बेसिकली एडिशनल बन जाएगा, ठीक है. एंड दिस फ्लोरीन इज द इंटरमीडिएट जो शुरू में मैंने आपको बताया था, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हुई पड़ी होती है इस वजह से. सो दिस इज योर ओवरऑल फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन. नाउ आपने सेकंड स्टेप आप बताना है. सेकंड स्टेप बताने का तरीका यह है कि आप इस रिएक्शन को देखो. ओवरऑल रिएक्शन ये है, आपने जो रिएक्शन किया है वो ये है. अब आपने जो किया उसमें एक NO2 और एक F2 है, बट ओवरऑल में दो NO2 थे. सो एक NO2 अभी भी बाकी बचा हुआ है. सो वो जो एक बचा हुआ है ना NO2, आप उसको इस बचे हुए फ्लोरीन के साथ, जिसने अगले स्टेप में इसके साथ मिल जाना है, इसके साथ आप मिक्स करो और एक और NO2F बना दो, ठीक है. एंड वंस यू एड दीज टू रिएक्शंस टुगेदर, NO2 ऑन द लेफ्ट साइड, NO2 ऑन द लेफ्ट साइड विल बिकम 2NO2 plus F2 on the left side. अब मैं F नहीं लिख रहा क्योंकि F left side पे भी है और right side भी है. Oh, it is going to get cancelled. This F and this F. Oh, overall right hand side would become 2 times NO2F. And if you see properly, this was the final product. So इस तरह का कोई भी केस अगर आपको दे दिया जाए, तो आप बड़े इजीली बता सकते हो कि कौन सा स्टेप हो रहे होंगे रिएक्शन के. अब ये जो पहला स्टेप था, आपने कहा था ना कि दिस इज अ स्लो स्टेप बिकॉज़ इट्स द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. सो दूसरा वाला स्टेप वुड डेफिनेटली बी द फास्ट स्टेप. दैट्स व्हाई जो रेट लॉ है वो पहले स्टेप के हिसाब से लिखा हुआ है. और ये आपको कैसे पता चला था कि पहला स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है? क्योंकि जो पहली पीक थी वो बहुत ही हाई आ रही थी और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. तो इसका मतलब है पहला स्टेप जो होगा उसमें आपको ढेर सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये स्लो स्टेप होगा. और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, इट वुड बी द फास्ट स्टेप, राइट. बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, लेट्स रिवाइज समथिंग. रिवर्स रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है. अभी जो थे रिएक्टेंट्स जो थे वो यहां पे थे, एंड प्रोडक्ट्स जो थे वो यहां पे थे. अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स फॉर्म में लिखूं, यानी ये अगर चेंज होके NO2 और F2 के अंदर चेंज हो रहा है, सो दिस वुड बिकम द रिएक्टेंट एंड दिस वुड बिकम द प्रोडक्ट, ठीक है. सो इन दैट केस रिएक्टेंट को पहले बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है. पहली बात तो ये कि जो मैंने कहा था कि एक्सोथर्मिक है, इट विल नो लॉन्गर बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट्स जब ये बन जाएंगे और प्रोडक्ट्स जब ये बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पे हैं, ठीक है. सो ओवरऑल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. सो ये एक्सोथर्मिक का केस चेंज होके एंडोथर्मिक बन जाएगा, ठीक हो गया. दूसरा स्टेप ये कि टू स्टेप रिएक्शन, उस केस में भी टू स्टेप ही रहेगा अगर ये रिवर्स हो जाए. तीसरा ये कि स्टेप वन विल बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. अब आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि स्टेप वन को रेट डिटर्मिनिंग होना चाहिए या स्टेप टू को. तो पहली बात ये कि जब रिएक्शन उल्टा चलेगा, तो ये इस किस्म की इसकी डायग्राम नहीं, ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. सो मोस्ट प्रोबेबली स्टेप टू जो होगा इसका, फिर वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बन जाएगा.
because in the present case जब forward reaction हो रहा है तो step 2 bond making है और bond making fast होती है लेकिन जब backwards हम आ रहे होंगे तो step 2 के अंदर bond breaking होगी so this will actually be slow step और step 1 जो होगा फिर वो fast हो जाएगा ठीक है this is it for today's lecture let's revise आज हमने क्या देखा आज हमने देखा कि potential energy diagram को use करके हम reaction mechanism के बारे में क्या information दे सकते हैं पहले तो हमने कुछ चीजें revise की जो हमने last time पढ़ी थी कि kinetic energy किस तरीके से potential में change हो रही होती है जो कि bonds बनाने में use होती है फिर energy और enthalpy change को हम किस तरीके से predict करते हैं using the potential energy diagram और then we saw के exothermic और endothermic के जो दो cases हैं उनको किस तरीके से we can understand using the potential energy diagram activation complex का क्या role होता है और activation energy जो है इस potential energy diagram पे किस तरीके से visible होती है finally we took an example from your book and this was a pretty nice case जिसमें आपको अगर overall equation given हो reaction की equation और आपको rate law given हो rate equation given हो और आपको potential energy diagram given हो so ये हमने مختلف results लिखे हैं जो के deduce किए जा सकते हैं final result जो था वो आपने slow and fast steps identify किए थे और दोनों को add करके overall equation आपने बना दी थी reaction की in the next lecture we are going to proceed to the factors affecting the rate of chemical reaction basically ye se pehle humne cover karna tha but factors ke liye aapko ye mukhtalif baatein jo bhi pichle lectures mein humne ki hain ye pata honi chahiye thi so factors affecting the rate of reaction is our next topic iske andar hum mukhtalif factors dekhenge for example surface area ka kya role hota hai iske alawa temperature ka kya role hota hai reactants itself unki concentration se kya farq padta hai and many other factors jo ke reaction ke rate ko control karne mein help karte hain